हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। और गाइस आज मैं आप लोगों को, आप एचएससी बोर्ड में हो, क्लास ट्वेल्थ में हो, तो आप लोगों के लिए बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स यहां पर लेके आया हूं। जितने भी आपके पूरे 15 के 15 चैप्टर्स हैं, सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पर हमारे कवर हो चुके हैं। और आप देख रहे हो हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा। गाइस इस वीडियो को बनाने में कसम से कहता हूँ बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगी है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगी है, क्योंकि पूरे एक तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में से सारे डायग्राम्स को उठाना, फिर उनकी पीडीएफ क्रिएट करना, थोड़ा सा डिजाइनिंग करना, मतलब यार अपने आप में बहुत ज्यादा टाइमिंग इन नोट्स को बनाने में लग जाती है। सो आई होप गाइस कि आप लोग इन नोट्स को और ये नोट्स को मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूंगा बाद में, और इस वीडियो को आप लोग डेफिनेटली सभी लोगों को शेयर करोगे। आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियोज के, बट इसकी पीडीएफ आपको डेफिनेटली मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। टेलीग्राम आपको कहां से ज्वाइन करना है, सबसे पहले आप लोगों को जाना है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, ठीक है। वहां से आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, देन आफ्टर दैट उस लिंक में क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, देन आपको वहां पे इसकी पीडीएफ कुछ दिनों में मिल जाएगी, क्योंकि पीडीएफ बनानी पड़ेगी ना इसके लिए, ठीक है। बट आप इसके इस वीडियो को पूरा देखो और इस वीडियो को सभी को शेयर करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम को टिक करते चलो मेरे साथ साथ। चैप्टर वाइज मैंने बनाए हैं पूरे के पूरे 15 चैप्टर्स के। गाइस आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारा चैप्टर नंबर यहां पे 1 है, आप लोग देख सकते हो चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पहला इंपॉर्टेंट डायग्राम है हमारा टीएस ऑफ एंथर की, ये वाली है, ठीक है। जैसे कि देखो कोई कोई डायग्राम आपको छोटी दिखेगी ना, उसको आप लोग ऐसा जूम कर लेना अपने पीडीएफ में भी, तो आपको भी सब समझ जाया करेगा, एकदम क्लियर हो जाया करेगी। कोई भी अगर आपको क्लियर नहीं रहेगी तो उसको जूम करने का, बस वो क्लियर दिखने लगेगा, ठीक है। चलो तो डहिस्ट यहाँ पे एंथर की डायग्राम इंपॉर्टेंट है, देन उसके बाद इसकी भी डायग्राम कभी कभी पूछता है तो इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इज दिस वन, 1.6 एनाट्रोपस ओव्यूल की, और उसके बाद हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल की, आप यहाँ पे डायग्राम इसकी देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली हमारे डायग्राम्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी सेम चैप्टर में हमारा यहाँ पे पॉलिनेशन बाय विंड यानी मेज वाला हमारा ये आपको आ सकता है, अभी तक कभी पूछा नहीं है बट स्टिल दे कैन आस्क, ठीक है। यहाँ पे देखो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, ये एग्जाम में आ चुका है, ये 2015 के पेपर में आया था, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। डबल फर्टिलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2017 के पेपर में आया था, तो इसको याद रखो क्योंकि ये डायग्राम अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी देखो ये बीन सीड, ये आज तक देखा जा रहा है कि आपके क्वेश्चन बैंक हर जगह ये छाया हुआ है ये दोनों क्वेश्चन, तो इनको भी आप लोग प्लीज एंड प्लीज कर लेना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे निकलते हैं हम लोग यहाँ पे, सेकेंड है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट उतने ही डायग्राम थे। अब देखो यहाँ पे भाई ये एलएस ऑफ टेस्टिस की डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीएस ऑफ टेस्टिस मतलब टीएस या फिर एलएस, इन दोनों में से हमेशा कोई ना कोई एग्जाम आती है, मतलब एग्जाम में आते हैं डायग्राम, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि एलएस एंड टीएस किसकी बात चल रही है यहाँ पे, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। टीएस ऑफ ओवरीज की अगर बात की जाए तो देखो ये ओवरी है और ये ग्राफियन फॉलिकल है, एंड दिस इज द सेक्शन व्यूड ऑफ द मेमरी ग्लैंड, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करके रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे निकलते हैं जरा यहाँ पे सेकंड चैप्टर में, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो यहाँ पे डायग्राम है ये हमेशा एग्जाम में ज्यादातर आता है, इस बात को आपको ध्यान देना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स भी, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स, यही होता है जब कोई टीचर केमिस्ट्री एंड बायो दोनों पढ़ाता है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ओके तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एग्जैक्टली, तो जय हो स्पर्म भैया की, यहाँ पे नागोबा डोला गिला, ठीक है। तो ये है हमारे यहाँ पे स्पर्म भाई, तो इनके डायग्राम प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेना, और ये है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो इनकी भी डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना चलो। और ये है हमारा ओजेनेसिस, जहां पे मतलब हमारा ओवम यहां पे जहां प्रोड्यूस होता है, तो जिस तरीके से हमारा ये स्पर्मेटोजेनेसिस है उसी तरीके से ये हमारा ओजेनेसिस है, दोनों सेम है, तो कोई भी एक आ सकता है। यहां पे अनफर्टिलाइज्ड, यहां पे ओवम की हमारी डायग्राम, ये अनफर्टिलाइज्ड, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। और ऐसे यहां पे वीएस ऑफ गैस्ट्रोला, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होने का, यहां पे आप लोग थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके देख लो अच्छे से, आपको यहां पे समझ जाएगा। ये सारे मॉरुला वगैरह के सारे फेजेस मैंने यहां पे बना के अच्छे से डायग्राम दिया है, कितना मस्त दिख रहा है ना पीडीएफ एकदम झकास तरीके से। यहां देखो प्लेसेंटा की बात करते हैं, देखो ये एकदम प्रॉपर तरीके से प्लेसेंटा की डायग्राम फॉर 2 मार्क्स एग्जाम में आती है, टिक कर लेना। और कभी कभी देखो यहाँ पे ये परमानेंट मेथड्स यहाँ पे पूछ लेता है एग्जाम में, कि जो वो कट करते हैं ना, ऑपरेशन कर देते हैं, तो फिर जिससे कि ट्यूबेक्टॉमी हो जाती है ना, तो फिर कोई भी बर्थ वगैरह नहीं होती बेबी की, तो ये चाहे मेल में और ये फीमेल में दोनों में ये कट कर देते हैं ना, वही चीजें यहाँ पे परमानेंट मेथड है जो हमारा बर्थ प्रेगनेंसी जो हमारी उसके रोकने की, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला यहाँ पे एग्जाम में आ सकता है, ग्राफिकल प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस, ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना।
उसके बाद ये प्लॉयडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, मैंने ये डायग्राम्स तो नहीं है बट ये फ्लो चार्ट्स हैं, तो मैंने इनके बारे में बताने की कोशिश अच्छे से की है, इस बात को आपको ध्यान देना। ये हीमोग्लोबिन वाला भी हमेशा आता है, और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात रही ये हमारे क्रोमोजोम्स की, तो इसको थोड़ा पढ़ लेना। और रही ये हमारा एक्स एंड वाई क्रोमोजोम्स में जो कंपैरिजन है नॉन होमोलोगस वगैरह, सेंट्रोमियर वगैरह, होमोलोगस रीजन वगैरह, तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे, ज़्यादा फायदे में रहोगे। उसके बाद आते हैं हमारे इस फ्लो चार्ट की तरफ। यहाँ पे देखो ये सारे के सारे क्रॉसेस हैं, तो लाइक देखो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कलर ब्लाइंडनेस में, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पे दोनों हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन हीमोफीलिया, ये आप यहाँ पे देख लो, ये कैरियर एंड डॉटर यहाँ पे है। फिर नॉर्मल मेल है, इनमें देख लो क्रॉस। फिर ये ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देन आफ्टर दैट आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, तो बर्ड्स में कैसे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, तो मेल एंड फीमेल उनके यहाँ पे जीनोटाइप्स दिए हुए, ये सब याद करना पड़ेगा, जेड 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 डब्ल्यू। एंड यही चीज़ ह्यूमन बींग्स में यहाँ पे एक्स वाई और एक्स एक्स होती है, तो इस बात को आपको समझ के रखना है। आते हैं चैप्टर नंबर फोर में हमारे, यहाँ पे चैप्टर नंबर फोर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें देख लो सबसे इंपॉर्टेंट ये बैक्टेरियोफेज वाली जो डायग्राम है, यहाँ पे किस तरीके से हमारा हार्श एंड चेस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, इसको आप लोग ध्यान से देख लेना। इन डायग्राम को समझने के लिए आप वीडियोज भी देख सकते हो। फिर उसके बाद न्यूक्लियोसोम्स, ये बाइंडिंग थोड़ा फर्स्ट फोकस रखना अच्छे से। यहाँ पे बीड्स ऑन स्ट्रिंग मैग्नीफाइड 2017 के पेपर में आया था, ये बात ध्यान, 2016 में भी रिपीट हुआ था ये, तो इसको समझ के रखो, ये एग्जाम में आते हैं, मतलब टीचर्स तो पुराने ही पेपर सेट करेंगे ना, इस बात को ध्यान देना। यहाँ पे देखो ये अपना जो पूरा प्रॉपर तरीके से इसको यहाँ से, मतलब यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा अच्छे से आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है, ठीक है। और ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, आप इसको देख सकते हो अच्छे से, ये ट्रांसक्रिप्शन जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, तो ये एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के डायग्राम, यहाँ पे डीएनए कि किस तरीके से फिंगर प्रिंटिंग होती है पूरा का पूरा यहाँ पे देख रखा है, तो एग्जाम में ये 3 marks को आ सकता है, ज्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे, तो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स यहाँ पे मैंने दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। तो भाई ओरिजिन एंड इवोल्यूशन तो किसी नाम का नहीं है, यहाँ पे बस 2-3 एक्सपेरिमेंट है, जो ये एक्सपेरिमेंट के डायग्राम्स या फिर इस एक्सपेरिमेंट के नए डायग्राम जो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस है, तो ये आने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया। बाकी तो वही आप लोग का यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ जो मैमल्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स, तो मैमल्स किस तरीके से क्लासिफाई होते हैं ये सब मैंने यहाँ पे बता रखा है, तो इस पूरे डायग्राम को एक बार याद कर लेना, ठीक है, पूरा अच्छे से, मतलब फ्लो चार्ट है, इसे डायग्राम नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 में, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा चीज़ें रिड्यूस हो चुकी हैं। तो प्लांट वाटर रिलेशन की बात करते हैं। प्लांट वाटर रिलेशन में देखो ये रूट वाला है, एंड देन ये हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द रूट हेयर है, तो इसको आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ के रखना है, जो कि प्लांट वाटर रिलेशन में आपको अच्छे से पूछ सकता है, बस इतना ही है। चैप्टर नंबर 7 प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, इसमें तो कुछ ग्राम है ही नहीं, इसको पढ़ना ही नहीं है। चैप्टर नंबर 8 में आ जाओ, यहाँ पे रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन में यहाँ पे समझते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देखो जो ये फ्लो चार्ट्स है, मतलब ये जो हमारे यहाँ पे चार्ट है रेस्पिरेटरी सरफेस ऑर्गन इन द ऑर्गेनिजम्स, ये इंपॉर्टेंट है। देन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, ये भी हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़ के जाना है आप लोगों को, ठीक है। चलो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो लैरिंग्स फेरिंग्स जो आपको यहाँ पे देकर रखा है, ये लैरिंग्स है हमारी, ये यहाँ पे हमारा, फिर इस तरीके से, फिर इसको आप थोड़ा सा जूम करोगे आपको अच्छे से क्लियर इमेज दिखेगी, डोंट वरी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्विलीज एल्विलस एंड कैपिलरीज, तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये एग्जाम में 2 marks से 3 marks को सिर्फ अकेला डायग्राम आ सकता है एग्जाम में। रही बात ब्रीदिंग की, तो देखो ये पूरा ब्रीदिंग अच्छे से आपको यहाँ से समझा के देना है दोनों, कि कैसे आप लोग जब सांस लेते हो देन सांस छोड़ते हो तो क्या क्या हालत होती है, सब आपको यहाँ पे समझ जाएगा। दूसरे डायग्राम में देखो यहाँ पे ये इत्तु सी, ये दूसरे डायग्राम है, मैंने ज्यादा से ज्यादा एक पेज में बहुत ज्यादा डायग्राम रखने की कोशिश की है, इसीलिए मैंने कहा कि पूरे वीडियो को देखो आपको डायग्राम समझ जाएगी, नहीं तो आप बहुत सारा कंफ्यूज जाओगे फिर। तो रेगुलेशन एंड ब्रीदिंग में यहाँ पे देख लो किस तरीके से रेगुलेशन एंड ब्रीदिंग होता है, ये 3 marks को एग्जाम में सिर्फ यही पूछ लेगा, बोलेगा कि ड्रॉ दी डायग्राम्स ऑफ द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, तो ऐसे आपको बताना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप सिम्टम्स वगैरह, डिसऑर्डर सिम्टम्स वगैरह सब पढ़ लेना एक बार, ये सब आपके लिए अच्छे के लिए मैंने यहाँ पे डाल रखा, जिससे कि आप एक बार में इस तरीके से फ्लो चार्ट को देखोगे और आपका सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ देखो सिंगल सर्कुलेशन में, देखो ये सिंगल सर्कुलेशन है, ये हमारा डबल सर्कुलेशन है, किस तरीके से होता है हमारा, देखो यहाँ पे पल्मोनरी वेंस, लंग्स, ये हमारा हार्ट के चारों चैम्बर, देन ये सब कुछ यहाँ पे समझा के रखा है। ये है हमारा ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स, यहाँ पे आपका एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं, ये डेफिनेटली आने के चांसेस है 3 marks के, तो प्लीज़ इसको करके जाना। ये है हमारे हार्ट के वॉल की पेरिकार्डियम, जो बाहर की लेयर होती है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन फॉर 3 marks एग्जाम में पूछ सकता है, याद रख लो। और आते हैं अब हार्ट में, ऑब्वियसली बात है आपको पता है कि हार्ट का डायग्राम एग्जाम में गारंटेड 3 marks को आता ही आता है। अब चाहे तो वो पोस्टेरियर व्यू आ जाए या तो फिर वो चाहे एंटीरियर व्यू आ जाए, तो ये बनाने का प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भैया, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। इंटरनल स्ट्रक्चर आ जाए या तो फिर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन सिस्टम, मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम मेरी बात मानो
तो इंटरनल स्ट्रक्चर आने के चांसेस 80% से ज़्यादा हैं, बाकी का मुझे आइडिया नहीं है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर प्लीज़ ड्रॉ करके जाना, मतलब अच्छे से इसको समझ के जाना इंटरनल स्ट्रक्चर को, एंड बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये सब भी अगर करोगे तो कर लेना, ये और ये दोनों के आने के चांसेस हैं, मतलब ये और ये दोनों के आने के चांसेस हैं मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप चाहो तो वो कर लो, इट्स योर चॉइस। आगे बढ़ते हैं, टीएस ऑफ आर्टरीज एंड वेंस की बात करते हैं। यहाँ पे देखो ये आर्टरीज एंड वेंस में कैपिलरीज वाला हमारा यहाँ पे सिस्टम है, इसको आप लोगों को करके जाना है। फिर ये देखो पल्स पॉइंट भी एग्जाम में पूछ सकता है, फॉर 2 मार्क्स बोलेगा कि बताओ पल्स पॉइंट कहाँ कहाँ पे होते, तो सब आप बता देना, फेसियल, टेम्पोरल, कैरोटिड, ब्रैकियल, रेडियल, फेमोरल, दुनियादारी, सब लिख देना वहाँ पे जो जो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, नॉर्मल ईसीजी में आते हैं, आपको पता ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ये, तो ये सिर्फ ग्राफ ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम 3 मार्क्स को आता है, और इवन 2018 के पेपर में, 2016 के पेपर में ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सिर्फ इतना कितना आसान है ना, ये PRT सिर्फ इतना ही तो बनाने का, देखो PRT, RR इंटरवल, ST सेगमेंट, QT, बस इतना लिख के, ये चाहो तो ये कुछ भी यहाँ पे डाल देना, टाइम सेकंड, मिलीमीटर से, आर्टरियल एंड वेंट्रिकल, सब यहाँ पे लिख के फटाफट 3 मार्क्स गेन कर लेना है। उसके आगे निकलते हैं ऑप्शन में है, अगर आप इसको करना चाहो तो कर लेना, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑप्शन में, अगर आपकी मर्जी, आपके पास बहुत टाइम हो तो इसको कर लेना, वरना छोड़ देना, ठीक है। चलिए इस बात को ध्यान देना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल देखो तो रखा है, मैंने डायग्राम बना रखी है, बट डायग्राम ये आएगी ना, इनके नेम पूछेगा, नेम, तो इनके नेम अच्छे से आपको यहाँ पे याद रखने, तो नेमिंग को बिल्कुल नहीं भूलोगे आप लोग, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं लोकेशंस में, CNS, PNS, ये सब इसका यहाँ पे टाइप्स एंड उसके फंक्शंस, प्लीज ये पूरा रीड कर लो, ये डायग्राम्स तो नहीं बट फ्लो चार्ट है, बट स्टिल मैंने यहाँ पे आपको डाल रखा है। देखो ये डायग्राम आपके एक्सरसाइज में भी है, इसके लिए मैंने सिनेप्टिक ट्रांसमिशन का, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का डायग्राम है, तो ये एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है। यहाँ से आप 1, 2, 3 ऐसे जो जो यहाँ पे 6, 7 जो जो समथिंग है, इस तरीके से आपको पूरा अच्छे से फॉलो करके एग्जाम में बनाना है। कैन यू टेल वाला ये जो है ना, ये कोई डायग्राम नहीं है बट फ्लो चार्ट है, बट आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है, पूरा नर्वस सिस्टम समझाया है। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल, पेरिफेरल, AM, फिर हमारा ऑटोनोमस, हमारा CNS में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, PNS में ये सब, ये दुनिया भर के सारी चीजें यहाँ पे समझा रखी है, तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एग्जाम में नहीं भी आएगा, बट इसको ये एग्जाम में नहीं आने वाले, बट स्टिल इसको पढ़ लोगे तो पूरा चैप्टर ही कवर हो जाता है, ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से समझ के रखना है। चलिए यहाँ देख लो आप ब्रेन के बारे में भी यहाँ पे देख सकते हो, जिसका पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ब्रेन कैसा होता है, सारी चीज़ें, एनसेफेलॉन, मिड ब्रेन, मिस एनसेफेलॉन, फिर उसका रोम्बस एनसेफेलॉन, तो इस तरीके से हिंड ब्रेन वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो सेजाइटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन, ये देखो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा सा डायग्राम ब्रेन की ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। देखो यार मतलब थोड़ा सा मतलब जैसे कि वहाँ पे हार्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे यहाँ पे ब्रेन इंपॉर्टेंट है, और मैं जानता हूँ कि मतलब जिसके पास खुद ही मतलब ऐसा है तो ब्रेन के डायग्राम तुम क्या ड्रॉ करोगे, बट स्टिल यहाँ पे तुम एक बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तुम सब बेस्ट इंसान हो, एक बार ट्राई करो, इंसान ट्राई करके ही दुनिया में सब कुछ सीखता है, तो अगर ट्राई करोगे डेफिनेटली तुम रॉक करोगे दुनिया में, ठीक है। बट हाँ, इस डायग्राम को छोड़ के मत जाना, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये सबसे छोटा ब्रेन का पार्ट है, डेफिनेटली करके जाना, मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, इसको करके जाना, ठीक है। चलो अब बाकी का देखो, ये फ्लो चार्ट मैंने आपको एक छोटा सा दे रखा है, आप इसको पढ़ोगे जब आपके मोबाइल में, इसको ऐसे फट फट जूम कर लेना, देखो कितना क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे आप अगर इसको जूम करके मस्त लाइन से सारे के सारे पढ़ोगे ना, इसको बढ़िया एकदम मैंने लाइन से पूरा लगा दिया, देखो अच्छे से पूरे के पूरे यहाँ पे लाइन से लगा दिए, मस्त इसको पढ़ डालना, कितना प्यारा है ना, एक छोटे से पेज में कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। तो TS ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से आप इसको पढ़ लेना, ये हाँ देखो ये 2 मार्क्स को एग्जाम में आता है, ये 2017 के पेपर में आया था, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। फिर ये टेबल MCQ के लिए है, और ये आपको 3 मार्क्स को स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूछता है कि फॉर्मेशन ऑफ द नर्व्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये बात आपको ध्यान देनी है। फिर आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, तो ये बनाना बना देना, बट इसको रीड करके बस जाना। फिर आती है पिट्यूटरी ग्लैंड में द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर 3 मार्क्स, ये आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हमेशा आने के चांसेस है। बाकी ये मैकेनिज्म है, अगर आप मैकेनिज्म पढ़ के जाते तो करके जाना, वरना छोड़ दो। और ये देखो हमारा हाइपोथैलेमस, मतलब हाइपोथैलेमस से क्या क्या रिलेटेड है, ये सब कुछ यहाँ पे बता रखा है। आते हैं ब्रेन में, देखो ब्रेन के अंदर यहाँ पे देख लो पीनियल ग्लैंड यहाँ पे देख रखा है कि किस तरीके से हमारा पीनियल ग्लैंड यहाँ पे है, और पीनियल ग्लैंड में ऐसी कौन सी चीज़ें, तो यहाँ पे देखो लिखा भी है मेलाटोनिन, जो कि स्लीप हार्मोन होता है, तो इसको आपको थोड़ा समझ के रखना है। बाकी आपका वही है कि देखो हमारे ये पैराथॉर्मोन है, देखो थायराइड ग्लैंड है, ये पैराथायराइड है, ये हमारा यहाँ पे देख लो आप एड्रेनालिन है, मतलब हिस्टोलॉजी ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड, तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। डायग्राम बना के जाना, इनमें से भी 3 मार्क्स से कोई भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 10। यहाँ पे ज़्यादा डायग्राम्स तो नहीं है, बट स्टिल थोड़ी हार्ड डायग्राम्स है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाना, ये 3 मार्क्स के लिए पक्का आने के चांसेस। फिर देखो ये फ्लो चार्ट आप अच्छे से यहाँ पे थोड़ा देख सकते हो, बट ये भी आप थोड़ा सा देख लेना, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट में, तो देखो ये जो है हमारा स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम, तो एग्जाम में ये 3 मार्क्स को डिस्क्राइब करने कहता है, तो अगर आप सिर्फ इसको पढ़ भी लेते हो तो भी आप इसको डिस्क्राइब कर पाओ, ठीक है।
ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो लाइफ साइकिल ऑफ एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, तो इसको थोड़ा सा कर लेना यहाँ पे, जिससे हमारा पैरासाइट है एक तरीके का, और लाइफ साइकिल ऑफ यहाँ पे एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड्स, तो इसको भी आप लोग कर लेना। दोनों हमने देखो मैंने क्या किया, तीनों लाइफ साइकिल को एक ही पेज में मैंने डाल दिया, एक प्लाज्मोडियम, एक एंटामोइबा हिस्टोलिटिका एंड एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड्स। जय हो भगवान की, कितना अच्छा मंत्र है ना यहाँ पे देखो, ओम प्लाज्मोडियम एंटामोइबा हिस्टोलिटिका एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड्स नमः। चलो आगे निकलो अभी, फिर यहाँ पे जरा आ जाओ अभी तुम लोग सभी लोग, यहाँ पे देखो क्या देखे रखा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फिलारियासिस वुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी। वाह क्या बढ़िया नाम है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन फिलारियासिस वुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी अद्रम बद्रम स्वाहा। चलो ठीक है, इसको यहाँ पे देख लो एक बार, तो ये इसका स्टेजेस भी आप लोग करके जाना, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे चीजें दिखे, देखो ये आपको जो तीनों दिख रहा ना, ये और जो ये है, ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा, देखो ये वाला फिर उसके बाद ये वाला और उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी ये सेलमोनेला टाइफी आप बनाओ, ये भी बना लो, फिर ये भी कर लो, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 3 marks इज, जिसमें मैं लिख देता हूँ, वो समझ लो कि आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो HIV एड्स, ठीक है, तो इसके बारे में आप करके जाना। बाकी शुरू हो गए अपने ये नन्हे मुन्ने चैप्टर, जिनको तो मैं पढ़ा भी नहीं पाता, ठीक है। आप कहोगे सर इनको क्यों नहीं पढ़ा पाते, अरे भैया ये इन्वायरमेंट वाले हैं, बहुत दिमाग खाते हैं, ना बिना कॉन्सेप्ट के चैप्टर है ये, इनमें ना कुछ है, ना रंग, ना ढंग, ना कुछ ताकत, ना शक्ति, बट ये फोकट के थियोरी बनाते हैं। अब थियोरी को कैसे कोई पढ़ाएगा, तो कोई भी टीचर रीड कर देता है इन चैप्टर को बस, क्योंकि इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ट्यूबलेट टावर फर्मेंटर है कि यहाँ पे, फिर एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स, यहाँ पे सब माइक्रोब्स के नाम बस याद करने तो आपका काम है। फिर ये बायोगैस एक बार पढ़ लेना, ये तो 9th class में का बच्चा भी कर लेगा, क्योंकि 9th class में भी ये चैप्टर नंबर 14 में था ये। आगे माइक्रोब्स एंड देयर होस्ट में यहाँ पे देखो पैथोजेंस, फंगा, प्रोटोजोआ, वायरसेस, ये सब आप कर सकते हो, इसके होस्ट कौन कौन से हैं, तो एग्जाम के एमसीक्यू में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। बाकी ये करना है तो करो, क्योंकि ये सब नहीं आने वाला, बट स्टिल करना है तो कर लो, इट्स योर चॉइस। आगे बढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 12, यहां पे देखो ये डायग्राम, और उसके बाद फिर हमारा देखो यहां पे ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, फिर ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो यहां पे आप इसको भी देख सकते हो, देखो ये करके जाना प्लीज, बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से एप्लीकेशन है, तो ये डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाना, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है, जो छोड़ के जाएगा वही पछताएगा। और ये है हमारा यहां पे किस तरीके से हमारा यहां पे जो आउटलाइन है प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक ये और दूसरा हमारा ये डायग्राम, इनको जो छोड़ के जाएगा वो बड़ा पछताएगा इस बायोटेक्नोलॉजी में, बाकी तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, देख लो यहाँ पे तो ये डायग्राम्स मतलब आने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, बट स्टिल यू कैन, हाँ इसको जरूर पढ़ लेना कि हैबिटेट एंड निश, इसको नीचे मत पढ़ना, अन्य बोलोगे नीचे लिखा है या हैबिटेट लिखा है, हैबिटेट के नीचे हैबिटेट एंड निश, ठीक है, इसके बारे में जरूर पढ़ लेना, डायग्राम करना है कर लो, इट्स योर चॉइस। 14 में कोई डायग्राम नहीं है। 15 की बात करते हैं, 15 में सिर्फ ग्राफ है, तो देखो ग्राफ्स के थ्रू आप स्टडी कर सकते हो। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन ये जरूर कर लेना, 3 marks को आप बना के अच्छे से मस्त लिख सकते हो, बाकी ये तो ग्राफ है आपको करना है तो कर लो। और खत्म होता है हमारा यहाँ से टॉपिक, तो गाइस 15 चैप्टर के पूरे मैंने बना के आपको दे दिए हैं, तो फॉर ऑल PDF जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @this ID, ठीक है, Prashant_T9। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू हो, चाहे कैसे भी हो, टेलीग्राम में हो, बस आप लोग को ज्वाइन करना, इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। सो मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपके सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, जिससे कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो मिलेंगे ऐसे ही अभी हम लोग अगले वाले सबसे स्टार्टिंग वाले वीडियोज में, तब तक के लिए अभी हम लोग यहाँ पे कहते हैं बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू।